इसका पानी होगा वो अब हम खुश करेंगे और देन हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स अपने इस गजरेले में ऐड करेंगे और उसके बाद हमारा ये यकीत और मन्नत अली बैठी हैं इसको खाने के लिए वेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू गजल अली वर्ल्ड एंड गजल्स किचन। आज हम लोग गजल्स किचन में बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, जिसको कहते हैं गजरेला। मैं आज आपको नए अंदाज से बनाना सिखाऊंगी ये गाजर का हलवा, जो कि बनेगा झटपट और फटाफट। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सारा दिन हम गाजरों को लगे रहते हैं कद्दूकश करने में, ऐसा कोई सीन नहीं है। हमने हल्का फुल्का सा इनको ऊपर से छीला था, छीलने के बाद देखिए मैंने इनको कट कर लिया है। इस तरह मोटा मोटा सा कट कर लेना है, जिसको कहते हैं रफली कटिंग। हमने इसकी रफली कटिंग करनी है और उसके बाद बाकी का प्रोसीजर मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह हम लोग हलवाइयों वाला मज़ेदार सा गजरेला बनाएंगे और सबको अपना दीवाना कर देंगे। तो चले आए अब हम स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से। इसके लिए एक साफ सुथरा सा मैंने ले लिया है बर्तन, उसमें मैं डालूंगी ये सारी कटी हुई गाजरें और अब हम अपना फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे दूध। अब मैं साथ साथ आपको बताऊंगी इंग्रेडिएंट्स की जो कितनी मिकदार हमने लेनी है। 10 केजी मैंने ली थी गाजरें, तो 10 केजी ही मैंने इसमें ऐड कर लेना है दूध का। तो देखिए इस तरह हमने 10 केजी दूध इसमें ऐड कर लिया है। यहाँ पे हमने ले लिया है 1 पाव सूखा दूध, जिसको कहते हैं ड्राई मिल्क। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है ड्राई मिल्क का 1 पाव वाला 1 पैकेट और अब मैं ऐड करने जा रही हूँ सेम उसी तरह का दूसरा पैकेट और हम लोग इससे बनाएंगे ये खोया खुद। अब हम इस पाउडर में तकरीबन 1 किलो की दूध ऐड कर देंगे। इसको दम वाली आंच पे पकाते जाना है और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये बहुत अच्छा बने और बिल्कुल भी इसकी रोड़ियां वगैरह ना बने इसके अंदर। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। देसी घी लिया है मैंने और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 बड़ा चम्मच। देखें हमारा मावा बनने के करीब है और मैंने आपको ये स्टेप दिखाना था कि लास्ट स्टेज इसकी इस तरह होती है। मुसलसल हमने इसमें चम्मच हिलाते जाना है क्योंकि इस स्टेज पे ये किसी भी टाइम नीचे लग सकता है। और अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे और ये अपनी असल फॉर्म में आ जाएगा। जी देखें हमारा ज़बरदस्त सा मावा हो चुका है तैयार और अब मैं आपके सामने इसकी करूंगी फ्लेम बंद। आप देख सकते हैं किस तरह ये सारा इकट्ठा होके अदरक के गाने की तरह सेंटर में आ गया है और यही इसकी असल निशानी है। जब ये सारा इकट्ठा होकर सेंटर में आ जाए तो आपको लगेगा कि आपका मावा हो चुका है तैयार। और अब मैं फ्लेम बंद करूंगी और अब हम आएंगे अपनी गाजरों की तरफ, जो कि ये देखें इस जगह पे पक रही हैं और अब हम इन्हें मज़ीद पकाएंगे। उसके बाद एंड पे हम अपना मावा इन गाजरों में इस्तेमाल करेंगे। जी तो देखिए माय यूट्यूब फैमिली, हमारा जो दूध था गाजरों के अंदर वो हो चुका है ड्राई और अब हमारा जो गजरेला है वो इस तरह की लुक दे रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी और फिर इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे। जो घी का कच्चा पान है ताकि वो ख़त्म हो जाए और जो कुछ थोड़ा बहुत दूध के सूखने में कसर रहती है वो भी पूरी हो जाए। 10 केजी गाजरें थी और 10 केजी हमारे पास दूध था, तो मैंने 10 केजी बड़े चम्मच जो हैं वो घी के इसमें ऐड करने हैं और इस तरह अच्छी तरह इसमें मिक्स करके थोड़ा टाइम देसी घी को इसमें पकाना है ताकि जो घी का कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम लोग करेंगे एक नेक्स्ट स्टेप, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी।
अब हम इन गाजरों को इस मैशर की मदद से इस तरह मैश कर लेंगे। वैसे तो इतनी पक चुकी हैं गाजरें कि ये खुद ही मैश हो चुकी हैं, मगर फिर भी कोई कोई जो अंदर साबुत रह गई है आपने उसे मैश कर लेना है अच्छे तरह से, और उसके बाद ये सब कुछ आपस में घुल मिल जाएगा और मेरे कहने की तरह आपस में रच बस जाएगा। तो इसके बाद हम बाकी के जो गजरेले के इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम अपने इस गजरेले में ऐड कर देंगे सब्ज़ इलायची का पाउडर बारीक पिसा हुआ, ताकि इसमें बहुत अच्छी खुशबू आए। पाउडर ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छे से गजरेले में मिक्स कर लेना है, और आपने ये गजरेला ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फिर कमेंट्स में बताना है कि ये ज़बरदस्त सा और मुनफरिद गजरेला आपका कैसा बना। ये बग़ैर मेहनत के झटपट फटाफट बहुत मज़ेदार गजरेला है। अगर आप गज़ल अली वाइल्ड पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आप पहले से चैनल के फैमिली मेंबर हैं तो आपको चाहिए कि वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अब टाइम आ गया है इसमें शुगर ऐड करने का, तो मैं अपने गजरेले में ऐड कर रही हूँ शुगर। मेरे हस्बैंड लाइक करते हैं ज़रा तेज़ मीठा, तो मैं डालूंगी थोड़ी सी ज़्यादा शुगर। आपने अपने हस्बैंड जायका शुगर ऐड करनी है, और इसके बाद शुगर अपना पानी छोड़ेगी तो हम इसका पानी खुश कर लेंगे, और उसके बाद बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें ऐड करेंगे। शुगर मैंने ऐड कर ली है और इस शुगर को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे, और जो भी इसका पानी होगा वो अब हम खुश करेंगे, और देन हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स अपने इस गजरेले में ऐड करेंगे, और उसके बाद हमारा ये यमी सा मज़ेदार सा गजरेला डन हो जाएगा। डन डन। देखिए यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं और उनको थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लिया है, मोटा मोटा रहने दिया है। बादामों को देखिए बारीक कट कर लिया है, बहुत बारीक नहीं और बिल्कुल उन्हें साबुत भी नहीं रहने दिया। एक बादाम के तकरीबन दो दो तीन तीन पीसेस कर लिए हैं, और इसी तरह अखरोट काजू और पिस्ते को भी कर लिया है हमने पीसेस में डिवाइड, ताकि ये बाद में खाते हुए मुंह में आए और बहुत इनका लाजवाब सा जो टेस्ट है वो उससे हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। अब टाइम आ गया है कि अब इन सब चीज़ों को हम लोग अपने गजरेले में ऐड कर दें, क्योंकि बाकी सब कुछ उसमें पक चुका है, चीनी का जो पानी था वो भी खुश्क हो चुका है। तो अब टाइम आ गया ड्राई फ्रूट ऐड करने का, तो चले आए अब हम उसमें ऐड करते हैं अपना ड्राई फ्रूट। तो अब हम ऐड करेंगे अपने ज़बरदस्त से गजरेले में ये सारे ड्राई फ्रूट, और इन सब ड्राई फ्रूट्स को हम लोग कर लेंगे मिक्स। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई। अब हम ये सारे मेवे इस गजरेले के अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छे से इस तरह से, और दो मिनट के बाद अपने इस गजरेले को बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा ये ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा गजरेला हो चुका है तैयार, और अब हम इसे सर्व करेंगे बहुत अच्छे और डेकोरेटिव तरीके के साथ। ये भी मैं आपकी आज की वीडियो में दिखाऊंगी और बताऊंगी। मेवों को बहुत ज़्यादा हमने भूनना और पकाना नहीं है इसके अंदर, क्योंकि उनका असल टेस्ट फिर ख़त्म हो जाता है, जिससे हम लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी तो माई यूट्यूब फैमिली, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसकी डेकोरेशन कर ली है कम्प्लीट, और मन्नत अली बैठी हैं इसको खाने के लिए, वेट कर रही हैं कि ये कब हो जाएगा डन। और ये देखें ऊपर मैंने मावा लगाया है, नीचे इसके देखें मैंने सोन हलवा कहने लगी थी गजरेला, और उसके बाद ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगाए हैं। काजू को मैंने कर लिया है रोस्टेड, और यहाँ देखें मोहम्मद मिकाइल भी कहते हैं मुझे भी दे दें आप जल्दी से गजरेला। तो अब हम इसको करेंगे सर्व मन्नत और मोहम्मद मिकाइल को, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।